कल शहर में होने जा रहे विश्व प्रसिद्ध गोटमार मेले की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। मेला स्थल के आसपास पत्थरबाजी के लिए बड़ी संख्या में पत्थर एकत्र हो चुके हैं। पांडुना और सावर गांव के बीच स्थित जाम नदी की पुलिया पर सावर गांव की और पांडुना की ओर से अनेक स्थानों पर गोटमार के लिए पत्थर एकत्र किए गए हैं और यह कार्य अभी भी जारी है। कुछ लोगों को गलतफहमी है कि यह पत्थर नगरपालिका पांडुना पहुंचा देती है, जबकि वास्तविकता यह है कि यह व्यवस्था आस्थावान श्रद्धालुओं द्वारा सुरेश कावले परिवार के घर पहुंच चुका है झंडा। पिछले 8 से 9 पीढ़ियों से सावरगांव स्थित सुरेश कावले परिवार के लोग गोटमार के दिन नदी में गाड़ा जाने वाला झंडा अर्थात पलाश का पेड़ पहले दिन ही जंगल से अपने घर में लाते हैं। कावले परिवार इस झंडे की पूजा अर्चना करता है। सुरेश कावले के अनुसार गोटमार अकारण ही बदनाम किया जा रहा है। लोग अधिक शराब पीने की वजह से घायल होते हैं और नदी में बहते हैं। उन्होंने बताया कि कल तड़के 5 बजे इस पवित्र झंडे के रूप में पलाश के पेड़ को जाम नदी में गाड़ा जाएगा। इसके उपरांत दोपहर 11 से 12 बजे तक पांडुना और सावरकर गाँव के लोग इस झंडे की आस्था के साथ पूजा अर्चना करेंगे। सुरक्षा के लिए प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। बीते कुछ वर्षों से पुलिस प्रशासन द्वारा निगरानी के लिए ड्रोन कैमरे का प्रयोग सफलता के साथ किया जा रहा है, पर इस वर्ष पुलिस के सुरक्षा दस्ते में तैनात बम स्क्वाड भी पांडुना पहुंच चुका है। पहले दिन डिप्टी कलेक्टर ओम प्रकाश सनोरिया के अनुसार इस बार नदी में चलाने के लिए मोटर के रूप में छोटी नाव भी भेजी जा सकती है। मुसीबत के समय इस नाव को चप्पू द्वारा भी चलाया जा सकता है। बड़ी संख्या में पहुंच रही है पुलिस। आज सुबह से ही पुलिस थाना में वाहनों की भरमार हो गई है। पुलिस ने अपनी व्यवस्था के तहत एक बड़ा सा पैंडोल बनाया है, जहां से उद्घोषणा की पूरी तैयारी की जा चुकी है। पुलिस दस्ते में बम स्क्वाड वाहन भी पहुंच चुका है, जिसके साथ सूंघकर बम का पता लगाने वाला डोबरमैन प्रजाति का डॉग भी मौजूद है। कैमरामैन योगेश पाहुने के साथ नितिन जायसवाल की रिपोर्ट। मुझे बताइए, ये जो गोटमार मेला जो शुरुआत हुई है, ये कब से हुई है? बहुत पुरानी बात है, 8वीं पीढ़ी चल रही है। अच्छा, ये 8वीं पीढ़ी चल रही है। इसका गोटमार का क्या महत्व होता है? चंडी माता के नाम से है, हमारे बाप दादा बता रहे हैं, चंडी माता के नाम से झंडा लाया जाता है, उसकी पूजा पाठ की जाती है। और फिर पंचलों को अब शाम होले के शाम को देखे जाते हैं, पंचलों गढ़ाते फिर दोनों बीच में नदी के बीच में, ये नदी जाम नदी के बीचों बीच। जी, मुझे बताइए, ये जो पलश का पेड़ है, इसका क्या महत्व होता है? ये तो बहुत महत्व है, इसलिए तो पलश है ना, उसमें खून है ना, अच्छा बलि है ना, बलि दिया जाता है, खून है ना। अच्छा, ये पलश का पेड़ की बलि दी जाती है। जी, जी, जी। अच्छा, और इसके बारे में थोड़ा मुझे जानकारी दीजिए कि अभी तक कितनी घटनाएं हो चुकी? वैसे तो 20-25 लोग तो मर चुके हैं, कुछ घायल हुए हैं, कोई जख्मी पानी में, पानी में ज्यादा इससे या गाल फंसने से भी हुए, शराब पी के रहते, शराब होश नहीं रहता उनको, वो भी पानी में डूब जाते ना। जी सर, मुझे बताइए, यहाँ पुलिस द्वारा क्या क्या, क्या व्यवस्था की जाती है? पुलिस द्वारा अपने साइड में रहते, पुलिस वाले बीच में नहीं आते, कोई जनता का आक्रोश ज्यादा नहीं बोले, इसलिए सुरक्षा के लिए रहती है। सुरक्षा किसी प्रकार का कोई बाकी घटना चाहिए कहीं, स्वास्थ्य विभाग वाले भी रहते हैं, या कि किसी मलम पट्टी हो जाए, एम्बुलेंस की सुविधा होती है, तरफ रहते। ठीक है सर, थैंक यू।